नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं एफ सी एस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन स्टॉक के बारे में। सो अगर फिलहाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो पिछले वाली प्राइस पर फिर से मार्केट क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो क्या होने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों अभी टाइम क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को लेकर क्या आउटलुक्स नज़र आ रही है कि क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो कितना प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो सकता है, और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के जो है क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो कब तक हम लोग को देखने को मिलने वाला है, और अभी टाइम जो देखने को नज़र आ रहा है कि चार्ट का जो संकेत है वो अभी टाइम क्या यहाँ पर होने वाला है, एक्सपर्ट की जो राय है वो यहाँ पर क्या होने वाली है, तो जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले अगर ओपनिंग की अगर आज की बात करना चाहूँ तो 2.60 रुपये के साथ आज की जो ओपनिंग थी वो यहाँ पे देखने को मिली। 2.60 रुपये तक का जंप नजर आया, पर 2.50 रुपये तक मार्केट यहाँ पे लुढ़कता हुआ भी बड़ा जो था वो यहाँ पे नजर आया। दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी थी देखने को नजर आई कि लास्ट पिछले 5 जो ट्रेड देखने को मिली है उसमें रिटर्न 5.5% टूटते हुए नजर आए। लास्ट एक महीने में जो देखने को मिला कि रिटर्न काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल देखने को मिले, जो 2.80 से 90 रुपये तक या 95 रुपये तक जो है यहाँ पे जंप करता हुआ भी देखने को मिला। उसके बाद जो देखने को नजर आया कि मार्केट कंटिन्यूसली दोस्तों गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कमेंट से देखने को मिले कि दोस्तों लास्ट जो एक महीने में जो लगातार जो गिरावट देखने को मिली है तो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में भी गिरावट जो है वो यहाँ पे देखने को क्या नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, गिरावट लाजमी है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों अगर लास्ट एक महीने में अगर यहाँ पे 3 रुपये तक प्राइस अगर क्रॉस कर सकती है उसके बावजूद अगर 2.50 रुपये तक मार्केट यहाँ पे गिर सकता है तो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में भी गिरावट आनी लाजमी है। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह यहाँ पे देखने को मिली है वो ये देखने को मिल रहा है कि ऑपरेटर्स का गेम देखने को सबसे ज़्यादा नजर आया। उसके बाद अगर आज के गिरावट की अगर बात की जाए तो दोस्तों आज बेंचमार्क निफ्टी 50 और बीएससी सेंसेक्स इंडियन मार्केट पर दोस्तों जो है बड़ी जो गिरावट है वो भी आज के मार्केट पर देखने को मिली। पर इस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में अभी टाइम जो पॉजिटिविटी जो रहने वाली है कि कंपनी यहाँ पे जो है कर्ज मुक्त यहाँ पे देखने को मिल रही है, साथ ही साथ जो देखने को नजर आए कि कंपनी जो है कर्ज मुक्त तो देखने को मिल रही है पर कंपनी की जो है प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है, पर अभी टाइम जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो फिर से डाउन यहाँ पे देखने को नजर आ रही है, तो ये नेगेटिव जा सकती है। साथ ही साथ अभी टाइम जो कंपनी की दोस्तों जो ROC जो देखने को मिल रही है तो वो काफ़ी अच्छी देखने को नजर आई, पर उसी के साथ साथ दोस्तों जो ROE जो देखने को मिली है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे नजर आई, तो ये नेगेटिव जा सकता है। फिलहाल कंपनी का जो फंडामेंटल जो है क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को लेकर जो अपडेट यहाँ पे नजर आ रही है तो ये देखने को नजर आ रहा है कि कंपनी के जो है लास्ट इस मंथ के लास्ट वीक में कंपनी का जो डेटा है वो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग को लेकर अनाउंसमेंट यहाँ पे शायद से हो सकती है, और नेक्स्ट वीक में कंपनी दोस्तों बोर्ड मीटिंग यहाँ पे फाइनल हो सकती है। अब तक की जो आउटलुक है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, पर कंपनी का जो टारगेट है वो दोस्तों 3 रुपये प्लस से ज़्यादा बड़ा आप लोग को देखने को नज़र नहीं आने वाला है। और कंपनी अगर यहाँ पे देखा जाए तो फंडामेंटल जो देखने को नज़र आए कि 427.45 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे देखने को नज़र आए, और कंपनी में सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी जो देखने को नज़र आए कि कंपनी का जो PE रेशियो है 238.10 का जो नज़र आ रहा है, इसी के चलते मार्केट में जो बड़ी जंप है वो यहाँ पे गेन नहीं हो पा रही। क्योंकि दोस्तों अगर एक पॉजिटिव कंपनी का अगर PE रेशियो की अगर बात की जाए तो 15 से लेकर 20 के बीच का जो PE रेशियो है वो एक पॉजिटिव PE रेशियो कंपनी का माना जाता है। जो कंपनी अगर यहाँ पे देखा जाए तो कीमत जो है 2.55 रुपये का शेयर की जो कीमत है, और PE रेशियो की अगर बात की जाए तो 238.10 का PE रेशियो यहाँ पे रहने वाला है, तो ये थोड़ी सी आगे जाके दिक्कत का जो सामना है वो यहाँ पे करना पड़ सकता है। फिलहाल आप लोग को बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलो, उससे पहले बता दूँ चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल दोस्तों कंपनी में अगर आज के वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 40,89,352 शेयर की आज की टोटल वॉल्यूम यहाँ पे रहने वाली है। बाइंग ऑर्डर अगर यहाँ पे देखा जाए तो 80,211 शेयर आज के इंट्राडे के ऊपर बाइंग ऑर्डर देखने को लगा है। फिलहाल उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो 103 लाख की जो है ट्रेड वैल्यू आज के मार्केट पर नजर आई। टोटल मार्केट कैप अगर यहाँ पे देखा जाए तो 43,593.60 लाख का टोटल मार्केट कैप वर्तमान यहाँ पे रहने वाला है, पर अभी के टाइम कंपनी की जो इम्पैक्ट कॉस्ट है 1.17 पर यहाँ पे रहने वाली है। फिलहाल कंपनी का जो चार्ट का जो संकेत यहाँ पे देखने को जो नज़र आ रहा है वो ये देखने को मिला कि आने वाले दोस्तों 15 से 20 दिन में कंपनी की जो है तेज़ी यहाँ पे अच्छी खासी बुक कर सकती है, क्योंकि पिछले जो एक महीने में कंपनी ने जो प्रॉफिट की ग्रोथ में जो हाई तेज़ी यहाँ पे 330% की जो यहाँ पे तेज़ी यहाँ पे गेन की है, तो इसी के चलते कंपनी जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ थी वो तो अच्छी बनी, पर साथ साथ जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार यहाँ पे देखने को मिला, और 2% की जो है अभी टाइम जो है पॉजिटिव पर जो सेल्स की ग्रोथ अभी टाइम रन करती हुई नज़र आ रही है। तो इस आंकड़े से कंपनी का क्वार्टर टू का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर नज़र आ सकता है, और अभी टाइम कंपनी ने 58.18% की आज की जो मार्केट में डिलीवरी शेयर होल्डर्स ने उठाई है। 37,69,823 शेयर दोस्तों क्वांटिटी का आज के मार्केट का ट्रेड यहाँ पे रहने वाला है। और मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि इंडियन मार्केट में बड़ी जो क्रेज है वो यहाँ पे देखने को मिली है। निफ्टी 50 का अगर यहाँ पे देखा जाए तो 109.55 अंकों की बड़ी जो गिरावट
ब्रेकआउट है आज के मार्केट पर यहाँ पे देखने को मिली है। फिलहाल कल मार्केट की अगर बात की जाए दोस्तों एफसीआई सॉफ्टवेयर की, तो मार्केट में कल दोस्तों तेजी का जो संकेत है 2.65 रुपये तक तेज़ी यहाँ पे गेन हो सकती है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अभी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।